हाय गाइस, मेरा नाम मनाना। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं स्पीड रन सीपीयू के बारे में कि चाहे वो कीपैड वाला मोबाइल हो, चाहे वो एंड्रॉइड स्मार्टफोन हो, अगर आप उसका एमआई रिपेयर करना चाहते हैं मिरेकल बॉक्स से तो आप आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, जो तरीका मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में उस तरीके से आप कीपैड वाले मोबाइल को भी और एंड्रॉइड स्मार्टफोन को भी उसका एमआई रिपेयर कर सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे ईएक्स मनाना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर ले। आप सोचेंगे सब्सक्राइब करने से क्या होगा, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी कोई नई वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को देख सकेंगे। अगर आप कंप्यूटर पर देख रहे हैं यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप मोबाइल पर देख रहे हैं वीडियो तो वीडियो के नीचे यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने मिरेकल टूल को ओपन कर लेते हैं और मिरेकल टूल ओपन करने के बाद तो मैं आपको बताऊं दोस्तों कि आप आईएमआई रिपेयर करना चाहेंगे स्पीड रन सीपीयू का तो आपको आईएमआई रिपेयर करने से पहले इसका जो फ्लैश फाइल है उसे रीड करना होगा। ठीक है, क्योंकि बिना रीड किए हुए आप फ्लैश फाइल आप आईएमआई रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जिस मोबाइल का आईएमआई रिपेयर करना है उसका फ्लैश फाइल आपको रीड करना है। यहाँ हमें अपने फ्लैश फाइल को जो है सेव कर लेना अपने कंप्यूटर किसी ड्राइव में और फ्लैश फाइल जिस मोबाइल का फ्लैश फाइल है उस मोबाइल का नाम लिख करके जो है हम अपने ड्राइव में सेव कर लेंगे इस फ्लैश फाइल को। उसके बाद दोस्तों आईएमआई राइट करने के लिए हमें राइट फ्लैश पे क्लिक करना है। राइट फ्लैश पे क्लिक करने के बाद जो हमें आईएमआई पे टिक लगाना है। आईएमआई पे टिक लगाने के बाद हमें जो है अपना जो फ्लैश फाइल है उसे सिलेक्ट करना है। चलिए मैं आपको जूम करके थोड़ा दिखा देता हूँ। आपने देखा राइट फ्लैश पे क्लिक करना है, आईएमआई पे टिक लगाना है। ठीक है, उसके बाद हमें जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें अपना जो है फ्लैश फाइल जो है सिलेक्ट करना होगा। तो जो फ्लैश फाइल हमने रीड की थी उस फ्लैश फाइल को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम अपने फ्लैश फाइल को जो है जो हमने रीड की थी उसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं अपने मिरेकल टूल में। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं हम आईएमआई सेलेक्ट कर रहे हैं तो जो आईएमआई सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 2 डिजिट का जो है कोई नंबर लिख देना है। ठीक है, उसके बाद हम आईएमआई सेलेक्ट करेंगे तो आईएमआई सेलेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं आईएमआई सेलेक्ट हो चुका है। दूसरा भी आईएमआई हम इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं, हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फास्ट में जो 6 डिजिट है वो 6 डिजिट जो है यहाँ पे नीचे में जो है ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुका है और उसके बाद वाला जो नंबर है जो उसे 2 डिजिट जो है उसे हमें कॉपी करना है। उसके बाद हमें जो यहाँ पे जो है पेस्ट कर देना है, इस नंबर को हटा करके हमें यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, और मान के चलिए कि अगर आप कोई अपना आईएमआई नंबर लिख करके अपना जो है अपने चॉइस वाला आईएमआई नंबर लिख करके अगर आप ऊपर में डालते हैं तो उसका जो फास्ट का जो 6 डिजिट होगा उसे आपको यहाँ नीचे में डाल देना है, उसके बाद वाला जो 2 डिजिट होगा उसे आपको यहाँ बगल में डाल देना है। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है और अपना मोबाइल को जो है बूट कराना है मिरेकल टूल से। और जैसे आप बूट कराएंगे तो ऑटोमेटिकली जो है आईएमआई जो है राइट होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके किसी काम आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने चैनल को हमारे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।